প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় রান ফর ইউনিটি বা একতা দৌড়ের আয়োজন করেছে আসাম রাইফেলস। 2.5 কিলোমিটার এই একতা দৌড় রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়। এই একতা দৌড়ে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ বিএসএফ, সিআরপিএফ, টিএসআর, সিএসআর এবং আসাম রাইফেলস এর জওয়ানরা অংশগ্রহণ করে। আসাম রাইফেলস এর 21 ব্যাটেলিয়নের সেকেন্ড ইন কমান্ডেন্ট ওয়াইসি রাম সিং যাদব এই তথ্য জানান। ये फिट इंडिया मूवमेंट जो कि नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल 2 अक्टूबर 2019 से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करी थी, जो एक बहुत बड़ा महात्मा गांधी का सपना था। और आपको जैसे पता होगा कि 2014 से जब से ये सरकार आई पावर में, तब से जो है महात्मा गांधी की जो मनोकामना थी स्वच्छ भारत, उसको पूरा किए और उसी से संबंधित ये जो फिट इंडिया मूवमेंट पिछले साल 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के अवसर पर ये फिट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था, तब से जो है ये हमेशा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि हमारा देश जो है हमेशा फिट रहे। और एक आपको ये भी पता होगा कि आज के दिनों में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो निकाला गया है, उसी से संबंधित हम ये रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किए। धन्यवाद। पार्टिसिपेंट आपके सामने हैं, जो आप देख रहे हो लगभग 400 से 500 लोग हैं। इसमें हमारे असम राइफल पब्लिक स्कूल के बच्चे, अगरतला के असम राइफल्स के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, टीएसआर के जवान सभी भाग ले रहे हैं।